महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी की पहली सूची आ गई है और जिसे देखकर ये पता चलता है कि टिकट बंटवारे में किसकी चली, किन दिग्गजों के पत्ते कट गए और किन विधायकों पर पार्टी का भरोसा अब नहीं रहा है। और क्या 6 बार से चुनाव जीत रहे विधायक को पीएमसी स्कैंडल ने चुनावी मैदान से बाहर कर दिया, और क्यों महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने इलाके से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी ने मंगलवार को 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर की साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया गया है। पहली सूची में मुख्यमंत्री फडणवीस खेमे का वर्चस्व देखने को मिला। मुख्यमंत्री के पीए अभिमन्यु पवार को लातूर की औसा सीट से पार्टी ने टिकट दिया है, तो वही नागपुर से मोहन मते, जो फडणवीस के करीबी माने जाते हैं, उन्हें भी इस बार टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं तो फडणवीस कैबिनेट के भी कई मंत्रियों का नाम पहली सूची में देखने को मिल रहा है, जिसमें सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, आशीष शेलार और गिरीश महाजन का नाम शामिल है। अब आपको बता दें कि पहली सूची में किन दिग्गज नेताओं के नाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहला नाम है संसदीय कार्य मंत्री विनोद तावड़े, दूसरा है एकनाथ खड़से और तीसरा है प्रकाश मेहता। इन तीनों के नाम पहली लिस्ट से गायब दिख रहे हैं। प्रकाश मेहता पर एसआरए मामले में आरोप लगने के बाद ही कुछ महीनों पहले प्रकाश मेहता को फडणवीस कैबिनेट से हटाया गया था। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को पार्टी ने पुणे की कोथरूड सीट से मैदान में उतारा है। चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्रकांत पाटिल अपने होम टाउन कोल्हापुर से नहीं लड़ रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्यों पार्टी ने अपनी सबसे मजबूत कोथरूड सीट से चंद्रकांत पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर 8 विधायकों का टिकट अब तक काटा गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है सरदार तारा सिंह का। 6 बार से लगातार मुलुंड सीट से सरदार तारा सिंह जीतते रहे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर मिहिर कोटेचा को दिया गया है। तारा सिंह की उम्र 75 साल है, शायद इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काटा है, या उनके बेटे रंजीत सिंह का नाम पीएमसी बैंक घोटाले में सामने आने के बाद उनका टिकट काटा गया है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन उधर 74 साल के हरिभाऊ बागड़े जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उनको पार्टी ने जरूर टिकट दिया है। कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए अधिकतर नेताओं को पहली सूची में जगह दी गई है, जिसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल और हर्षवर्धन पाटिल का नाम शामिल है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 12 महिलाओं को भी टिकट दिया है।